हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ अमित सर। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 एंड एक्सरसाइज 8.1 का रिमेनिंग पार्ट, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो लेट्स गेट गोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका क्या बोल रहा है, देखो, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। तो अब ये जो डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट वन अनदर का कॉन्सेप्ट है एट राइट एंगल, ये किस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल में आता है? यस, रोम्बस में आता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। ठीक है, तो चलिए बिगिन करते हैं। सबसे पहले वहां से, यहां से हमने क्या लिखा, गिवन दैट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are equal and bisect each other at 90 degree। Which means क्या होगा ये, इट्स अ रोम्बस, है ना? हम बोल सकते हैं ना रोम्बस है। अगर ये रोम्बस है तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, राइट? ये चीज हम लिख सकते हैं। अभी टू प्रूफ क्या है वो मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि देन इट इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो ऐसे डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं कुछ भी। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब भी ऐसा कुछ आता है तो उसमें आपको उसकी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमको ये लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम टेक करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले दो ट्रायंगल ले लेते हैं। विच आर द टू ट्रायंगल्स? एक ट्रायंगल मैंने लिया ए बी डी और दूसरा मैंने ट्रायंगल लिया ए बी सी। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए। अब ऑलरेडी हमको पता है क्या, देखो ये ऑल साइड्स क्या हैं, इसके इक्वल हैं और डायगोनल भी क्या है, आपस में सेम है, है ना? तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये क्या है आपका कॉमन है, कॉमन साइड लिख लिया। ठीक है, फिर ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, इट्स रोम्बस, ये हमने ऊपर अभी अभी क्या किया है, प्रूफ किया है कि इट इज़ अ रोम्बस। एंड बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, ये हमको गिवन है, डायगोनल्स आर इक्वल। सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल डी ए बी, ये देखो एंगल डी ए बी विल बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, है ना? बोथ विल बी इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, बाय सी पी सी टी। यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया कि बाय सी पी सी टी दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, नाउ सिंस वी नो दैट कि रोम्बस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना? हमको पता है कि रोम्बस क्या होता है, स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम होता है। देखो रोम्बस बनता कैसे, रोम्बस कुछ ऐसे बनता है, है ना? इसको हम लोग क्या समझते हैं कि ये स्पेशल टाइप का क्या है, पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम के जो कंजिकटिव एंगल्स होते हैं, यानी जो आपके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, उनका सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एंड सिंस बोथ ऑफ द एंगल्स आर इक्वल, तो हम क्या करेंगे, डी ए बी प्लस ए बी की जगह भी क्या लिख देंगे, डी ए बी लिख देंगे इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, टू टाइम्स एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना? और एंगल डी ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 180 अपॉन 2, राइट? सो एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू
90 डिग्री एंड डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी ऑल्सो. एंड इफ बोथ ऑफ द एंगल्स आर 90 डिग्री इट मीन्स द अपोजिट एंगल्स विल ऑल्सो बी 90 डिग्री. देयर फॉर हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. प्रूफ हो गया. ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है हमको, एक पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन है इन द फिगर दैट इज ए बी सी डी. डायगोनल ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यहाँ लिख लेते हैं हम क्या, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी. देखो पैरेललोग्राम में पहले ही क्या चीज़ें क्लियर होती हैं, दैट अपोजिट साइड्स ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी. ठीक है, ये लिख लिया हमने, अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं, उसका काम जब पड़ेगा तो वो मेंशन कर लेंगे. ठीक है, बोला क्या है, ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स एंगल ए. इस एंगल ए को ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है. यहाँ मैं एंगल नंबर 1 डाल देता हूँ, यहाँ पे एंगल नंबर 2 डाल देता हूँ, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एंगल नंबर 3 डाल देते हैं, यहाँ एंगल नंबर 4 डाल देते हैं. ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो. मतलब हमको क्या प्रूफ करना है, 1 = 2 दिया हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज गिवन. 2 प्रूफ क्या है वो लिख लेते हैं, टू प्रूफ में एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 लेके आना है नंबर 1. ठीक है, और सेकंड जो हमको लेके आना है वो बोल रहा है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस. तो ए बी सी डी इज अ रोम्बस कैसे आएगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, कुछ ऐसे आएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका. तो देखो प्रूफ में क्या सबसे पहले हम लेंगे, एज यू कैन सी हमको ऑलरेडी क्या गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ये ए बी जो है और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है. मीन्स ये क्या होगा, ये आपका ट्रांसवर्सल होगा, राइट. तो पैरेलल लाइन पर ट्रांसवर्सल जब बना रहे हो आप, है ना, तो इस पैरेलल लाइन पर ट्रांसवर्सल के साथ रूल क्या सेट होगा आपका, दो चीजें हैं, ए बी विज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज द ट्रांसवर्सल. इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड सी डी ट्रांसवर्सल. ये पूरा लिख लो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नंबर 1. ठीक है, इसको नंबर 1 दे देते हैं. उसके बाद सेकेंड में हमको क्या है, सेकेंड में देखो, इन सेकेंड बी सी, ये जो बी सी वाली लाइन है ये किसके पैरेलल है, ये आपके पैरेलल है ए डी के पैरेलल, राइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो ये दो लाइन पैरेलल और अगेन ये ट्रांसवर्सल. तो इन दिस केस एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, अगेन क्या होगा यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, बट हमको गिवन क्या है, गिवन दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये हमको क्या है, गिवन है. अगर 1 देखो 2 के इक्वल है, 1 और 2 आपस में इक्वल हैं, है ना, यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो अब दोनों इक्वेशंस को मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ आपके लिए, एंगल 2 इज इक्वल्स टू बोल रहा है एंगल 3 एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बोल रहा है. तो 1 और 2 देखो आपस में क्या है, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब 3 और 4 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. सो हेंस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. क्लियर, तो ये क्या हो गया आपका, फर्स्ट वेरीफाई हो गया जो आपको फर्स्ट प्रूफ करना था. ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका फर्स्ट वेरीफाइड. क्लियर, अब चलते हैं सेकंड पे. सेकंड क्या प्रूफ करना है इसका, सेकंड में हमको क्या प्रूफ करना है कि दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या क्या लिया था, ये था 1 2, ये था हमारा 3 और ये था हमारा 4. हमारे पास ऑलरेडी अभी क्या अवेलेबल है, अभी हम सेकंड प्रूफ करने आ रहे हैं क्या, ए बी सी डी इज अ रोम्बस. Since we know that angle 1 is equals to angle 2 and also angle 1 is equals to angle 4. ये हमको क्या था, ये given था. और ये 1 equal to 4 जो है ये क्या है,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, राइट। तो इससे क्या पता चल रहा है कि दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो यहाँ पे क्या है, ये ट्रायंगल ए बी सी अवेलेबल है ना। ट्रायंगल ए बी सी में ये आपका एंगल नंबर 2 है, ये एंगल नंबर 4 है, ए बी सी। अब देखो आप ध्यान से, ये ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, विच मीन्स यहाँ पे हमने लिखा हियर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, तो यहाँ क्या आएगा, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, है ना। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल विल बी ऑल्सो इक्वल, सो ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। लेकिन इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, अब ये जो ए बी सी डी था ये स्टार्ट में क्या था, ये पैरेललोग्राम था, तो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, दैट ए बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, सी डी है। तो ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 1-2 यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे हमने 3 और 4 यूज़ किया है, ठीक है। तो 3 और 4 से ए बी इक्वल टू बी सी है, ए बी इक्वल टू सी डी है, देयरफॉर ये आपका जो बी सी हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के इक्वल, बी सी इज इक्वल टू सी डी, एंड हेंस एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्या आ गया, ए बी सी डी क्या आ गया, रोम्बस आ गया। ऑब्वियसली बात है, जब ये दोनों आपस में एक एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगे और अपोजिट साइड्स ऑलरेडी क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल टू वन अनदर एंड देयरफॉर ए बी सी डी विल बी अ रोम्बस। ओके, सो let's move on to the next question. In the next question, what we have? Question number 7. ABCD is a rhombus. सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको कि ABCD क्या है, एक rhombus है, तो सबसे पहले given that लिख लीजिए, ABCD is a rhombus. That means AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA. Number 1, ठीक है। Number 2 क्या बोल रहा है, ए सी बाइसेप्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। हमको क्या करना है, शो करना है कि जो डायगोनल ए सी है वो क्या कर रहा है, एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो आपका बी डी है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो जैसे हम लोग सी को प्रूफ करेंगे, सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, बी डी को भी प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो फॉर नाउ अभी हम क्या दे रहे हैं, ए सी ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले टू प्रूफ लिख लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है। प्रूफ करते हैं इसका, चलिए प्रूफ में क्या है हमारे पास, देखो एवरी रोम्बस जो होता है ये आपको हमेशा याद रखना है, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, विच मीन्स अगर ये पैरेललोग्राम है इसका मतलब क्या होगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड CD is transversal, है ना। इसका मतलब क्या है, ये दोनों मैंने ड्रॉ की लाइन और ये ट्रांसवर्सल बन गया। तो इस ट्रांसवर्सल के थ्रू मुझे क्या दिख रहा है, 4 इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है सबसे पहले। सो एंगल 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल 2 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, नंबर 1। सो एंगल नंबर 4 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2 था एंड Hence, क्या है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। देखो अगर ए बी सी डी एक रोम्बस है जहाँ पे क्या होगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, तो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। देखो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, बच्चे हर बार क्या पूछते हैं, बोलते हैं कि सर इसमें लिखना क्या है, लिखें कैसे, तो लिखना क्या है, जो आप कर रहे हो वो आपको बस लिखते जाना है शॉर्ट फॉर्म्स में, राइट। तो अभी आप देखो एंगल 4 इज इक्वल टू 2, एंगल 4 इज इक्वल टू 3, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल नंबर क्या आ रहा है, देखो 4 दोनों में कॉमन है, तो एंगल नंबर 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल नंबर 3, राइट।
तो ये क्या हो रहा है आपका AC bisects angle C, ये हमारा आ गया। तो यहां से क्या निकल के आ गया, AC bisects angle C, एंगल C, ठीक है, ये फर्स्ट हमारा आ गया। नाउ अब अभी सेकंड पैरेलल लाइन लेंगे, कौन सी, AD इज पैरेलल टू BC एंड CD इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, बना दो। कौन से दो एंगल आ जाएंगे आपके, एंगल नंबर वन और एंगल नंबर टू। सो एंगल नंबर वन इज इक्वल टू एंगल नंबर टू बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, किसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगेन अगेन वही चीज, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, जैसा कि पता है हमको ए बी सी डी इज अ रोम्बस। सो ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी। जब इन ट्राइंगल ए बी सी क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी है, दैट मीन्स एंगल नंबर फोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल नंबर थ्री, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये हमने मेंशन कर लिया। तो ये इसको मैंने थ्री दिया, इसको मैंने कर दिया फोर, तो इससे क्या हो जाएगा, देखो एंगल नंबर वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल नंबर फोर, देखो एंगल नंबर वन और फोर, और अगर एंगल नंबर वन और फोर इक्वल है तो ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये भी क्या हुआ, हमने प्रूफ कर लिया। तो ये भी क्या था, ये भी आपका सेकंड प्रूफ और ये भी आपका फर्स्ट प्रूफ, ठीक है, हाईलाइट कर लो विद डिफरेंट कलर इफ़ यू वांट। ये आपका क्या था, फर्स्ट प्रूफ था, और ये आपका क्या है, दिस इज द सेकंड प्रूफ, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड। अब क्या हमको प्रूफ करना है, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो सिमिलर वे में आप क्या करोगे, सेकंड के लिए भी करोगे, एंड दैट वुड बी योर जॉब टू डू, सिमिलरली क्या करोगे फॉर बी डी, ठीक है, सिमिलरली आप क्या करोगे फॉर बी डी, इसको प्रूफ करोगे, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। जो डायगोनल ए सी है, ए बी सी डी, सबसे पहले क्या आपके पास एक रेक्टेंगल अवेलेबल है, तो उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या है हमारे पास, गिवन दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, ये मेंशन हो गया। विच डायगोनल ए सी, ए सी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, एंगल ए और सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो शो क्या करना है, दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, सॉरी ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, सबसे पहले प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल नंबर वन इक्वल टू एंगल नंबर फोर एंड एंगल नंबर टू इज इक्वल टू एंगल नंबर थ्री, ये हमको क्या गिवन है, ठीक है। प्रूफ क्या है, टू प्रूफ वो लिख लेते हैं हम, टू प्रूफ के लिए क्या है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, ये ले आएंगे तो हमारा फर्स्ट प्रूफ हो जाएगा। और सेकंड क्या प्रूफ करना है आपको, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं पहले बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, उसके लिए क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे फिर से एंगल्स की, और वहाँ पे क्या कर लेंगे, मेंशन कर लेंगे, ठीक है। प्रूफ पे चलते हैं, सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। ऑलरेडी देखो एंगल नंबर वन इक्वल टू क्या है, एंगल नंबर फोर है, एंगल नंबर टू इज इक्वल टू एंगल नंबर थ्री, कौन से दो ट्रायंगल की बात की हमने, एक ट्रायंगल हमने यूं उठाया और दूसरा ट्रायंगल हमने यहाँ से उठाया, ठीक है। इसमें ऑलरेडी देखो ये दोनों एंगल्स क्या थे, आपस में सेम थे, इजंट इट। और उसके बाद ए सी क्या है दोनों में, ए सी इज इक्वल्स टू ए सी, ये आप क्या क्या है, ये दिस इज कॉमन, है ना। और ये दोनों क्या थे आपके, इनके अंदर रीजन क्या आ जाएगा, गिवन, ठीक है, ये आपका गिवन में आ गया। तो बाय एस ए एस बाय, सो बाय एस ए एस, सो बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या आ गए,
कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सो बाय सी पी सी टी मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी होगा, है ना, एंड बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी होगा। हेंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अगर ये एक रेक्टेंगल है ना, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा आपका, ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। और ये क्या प्रूफ करता है, ये हमारा फर्स्ट वेरीफाई करता है दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए बी सी डी इज अ स्क्वायर प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग डायगोनल बी डी बायसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो इसके लिए इस बार क्या करना पड़ेगा, एक नया आप रेक्टेंगल बनाएंगे और इस बार किसको ज्वाइन करेंगे, बी सी डी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो क्या है यहां पर, ये ऑलरेडी ए बी सी डी क्या है, यहां पे ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी। तो देखो ये चारों ही साइड्स क्या हैं, आपस में सेम है ना, दैट मीन्स ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू सी डी और बी डी इज इक्वल्स टू बी डी, है ना। तो ये बाय एस 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 क्या हो जाएगा, ये तीनों क्या है, यहाँ पे सबसे पहले लिख लो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, यहाँ पे हमने स्क्वायर मेंशन कर लिया, और थर्ड वाला क्या हो गया आपका, ये आपका कॉमन साइड हो गया, ओके। सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। और दोनों ही ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके ये एंगल्स क्या आएंगे, सेम आएंगे, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पोजिशन, है ना। तो यहाँ पे आप चाहो तो इनको क्या नाम दे सकते हो, 5 6 7 8। सो बाय सी पी सी टी एंगल नंबर 5 इज इक्वल टू एंगल नंबर 6 एंड एंगल नंबर 7 इज इक्वल टू एंगल नंबर 8। हेंस यहाँ से क्या निकल के आ रहा है आपका, हेंस बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। ये आपका सेकेंड भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, क्लियर। तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? देखते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, क्या है हमारे पास, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी टू पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन द डायगोनल बी डी सच दैट डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू है, ठीक है। शो दैट ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू बी। देखते हैं सबसे पहले ए पी डी कहाँ पर आ रहा है, ये रहा आपका ए पी डी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ फिगर पे, सो दैट क्लियर रहेगा कि हम कौन से ट्रायंगल पे वर्क कर रहे हैं, सी क्यू बी, ठीक है। तो गिवन सबसे पहले लिख लेते हैं, गिवन दैट, है ना, गिवन दैट में क्या है हमारे पास, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, विच मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, नंबर वन, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हमने क्या करना है, फर्स्ट हमको प्रूफ करना है, हम फर्स्ट पिक कर रहे हैं दैट ट्रायंगल, इन जो ट्रायंगल प्रूफ करना है उसी में वर्क करेंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, ए पी डी और सी क्यू बी ट्रायंगल हमने ले लिया। इसमें ऑलरेडी देखो क्या अवेलेबल, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, इसमें रीजन लिखते हैं ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हमने मेंशन कर लिया, क्लियर, डी, ओके, नंबर वन। नंबर टू क्या बोला, देखो यहां पे दिया है डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, ये भी मेंशन कर लेते हैं, डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, ये क्या है, ये गिवन है ना। और अब आप ध्यान से देखो, जब ये दो पार्ट बने, कौन से दो पार्ट, ए डी एंड बी सी, तो ये वाले जो दो एंगल्स हैं, कौन से दो एंगल्स, दीज टू एंगल्स, ए डी पी, एंगल ए डी पी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी क्यू, ये दोनों क्या हैं आपके, ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स हैं, है कि नहीं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, सो क्या हो जाएगा, देखो साइड एंगल साइड, सो बाय मैं क्या बोल सकता हूँ, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी, जो नाम दिया हुआ उसको देख कर लेके लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट प्रूफ हो गया, फर्स्ट वेरीफाई, ऑल राइट। तो हमने क्या किया, फर्स्ट को वेरीफाई कर लिया। अब सेकंड क्या पूछ रहा है, ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू, हमको क्या प्रूफ करना है, ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू, तो यहीं पर आ जाएगा, देखो बाय सी पी सी टी ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू, ये भी क्या हो गया आपका सेकंड, भी यहीं से वेरीफाई हो गया, ओके। थर्ड क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ए क्यू बी, है ना, थर्ड बोल रहा है हमारा ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी। तो अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। तो हमारा ए क्यू बी कहाँ पर है, ये रहा आपका ए क्यू बी, ठीक है, और दूसरा कहाँ पर है सी पी डी, ये रहा आपका सी पी डी, ठीक है। दोनों में ही देखो भाई पैरेललोग्राम था, तो ये दोनों साइड्स क्या होंगे, सेम होंगे। सबसे पहले लिख लो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये मैंने मेंशन कर दिया कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, नंबर वन। उसके बाद भाई बी क्यू इज इक्वल्स टू पी डी जो है ये तो गिवन है ना, या इसी को हम लोग डिफरेंट नेम से क्या जान रहे हैं। यहाँ पे देखो डी पी इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, ये हमको क्या है गिवन है, नेम आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। एंड द नेक्स्ट थिंग, अभी आप देखो ये दो लाइन हमने पिक की है और ये ट्रांसवर्सल लिया है, मतलब क्या होगा, मतलब विद द टू थिंग्स एंड वन ट्रांसवर्सल, दीज टू एंगल्स, कौन से दो एंगल, ये दो एंगल्स क्या होंगे आपस में सेम होंगे, द टॉक एंगल्स आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू एंगल्स, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी, ये क्या हो गया आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये बिल्कुल भी फर्स्ट वाले के जैसा ही हम प्रूव कर रहे हैं। सो बाय मैं क्या बोल सकता हूँ, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी, ये दोनों को हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। और यहीं से बाय सी पी सी टी क्या आ जाएगा, बाय सी पी सी टी फोर्थ वाला भी आ जाएगा आपको, ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी, ए क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया सी पी, ये देखो ए क्यू कहाँ पर था, ये रहा आपका ए क्यू और ये रहा सी पी, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में आ गया, ठीक है। तो आपका ये भी प्रूफ हो गया। अब ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम बोल रहा है, ए पी सी क्यू, अब बीच में देखो आप ध्यान से क्या बना हुआ है, ए पी सी क्यू बना हुआ है हमारे पास, है ना। तो ए पी सी क्यू पे चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर है ए पी सी क्यू, ये रहा आपका ए पी सी क्यू, दिस इज देयर, सो ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। अभी ऑलरेडी हमने क्या किया, देखो यहाँ पर ये प्रूफ कर लिया, ये प्रूफ कर लिया, सिंस हम यहाँ पे सीधे सीधे लिखेंगे, सिंस ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू प्रूव्ड अर्लियर, है ना, एंड ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी सेम प्रूव्ड अर्लियर, हेंस अपोजिट साइड्स ऑफ ए पी सी क्यू आर इक्वल, देयरफॉर ए पी सी क्यू क्या है, अगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल देयरफॉर ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, सिंपल इज दैट। तो ये आपका फिफ्थ भी क्या हो गया, वेरीफाइड, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग दैट सी क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग दैट गिवन दैट में क्या है हमारे पास, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए पी सी क्यू आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टाइसेस ए एंड सी, इस ए और सी से क्या है, ए पी सी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है, हमको प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए पी बी, सबसे पहले लिख लो कि दैट ए बी सी डी इज अ
पैरेललोग्राम है ना। नंबर वन हमने क्या किया, ए बी सी डी का पैरेललोग्राम डाल लिया है ना। टू प्रूफ क्या है वो लिख लो, ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी, ये नंबर वन है। और नंबर टू क्या है, ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू। अब ये क्या है, सी पी सी डी, सेकेंड पार्ट हमेशा जनरली क्या होता है सी। चलते हैं प्रूफ पे, प्रूफ क्या है हमारा। सो देखो कहाँ पर है ए पी बी, ये ए पी बी और ये सी क्यू डी। अभी आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए उसने 90 अपोजिट में बना दिया, बट जबकि 90 अगर एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है तो बोथ साइड क्या बनेंगे, 90 डिग्री बनेंगे। तो ये इंटीरियर में भी 90 है और इधर के इंटीरियर में भी क्या आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे, वही दो ट्राइंगल्स लेंगे, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। ठीक है, तो सबसे पहली पार्ट क्या है हमारे पास, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी नंबर वन। ठीक है, नंबर वन क्या लिख लिया हमने, ए पी इज इक्वल्स टू सी डी। ओके, सेकेंड थिंग इज वॉट, ये जब दो ट्राइंगल बने तो यहां आप ध्यान से देखो, ये दो पैरल लाइन ऑलरेडी वहां पर थी और एक ट्रांसवर्सल जा रहा था, है ना। तो अगर ये ट्रांसवर्सल जा रहा है राइट, तो कौन से ट्रांसवर्सल को हमको पिक करने पे मिलेगा, ऑब्वियसली जो हमने इक्वल लाइन ली है उसी के ट्रांसवर्सल पे हमको क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। तो जब ये एंगल गया तो ये दो एंगल्स क्या हैं आपके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। मीन्स एंगल ए बी क्यू बोल लो या ए बी पी बोल लो इज इक्वल्स टू एंगल सी डी क्यू बोल लो, ये दोनों क्या हो गए आपके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, और ए बी इज इक्वल्स टू सी डी क्या है आपका, ये आपका गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या अवेलेबल है, नेक्स्ट थिंग क्या अवेलेबल है, 90 डिग्री। वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज 90 डिग्री राइट, एंगल सी क्यू डी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच। ओके, सो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, बाय, अब आप ए एस ए भी लिख सकते हो क्योंकि सिंस टू ऑफ द एंगल्स आर इक्वल, दैट जस्ट मीन थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। और आप चाहो तो ए ए एस भी लिख सकते हो। सो बाय ए एस ए ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी, ये क्या हो गया हमारा, दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, फर्स्ट हमारा वेरीफाई हो गया। और ए पी इज इक्वल टू सी क्यू पूछे होता तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय सी पी सी टी ए पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये आपका सेकेंड भी क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। सो 11 में हमको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, दैट मींस दैट पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल विल बी पैरेललोग्राम, ये कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन दैट लिख लेते हैं। गिवन दैट में क्या है हमारे पास, गिवन दैट ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, देख लो ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड ए बी इज इक्वल्स टू डी ई। ठीक है, किसमें दिया है ये, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, इन दोनों के अंदर ये डेटा हमको गिवन है। ठीक है, एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ एंड बी सी इक्वल टू ई एफ, ये जो क्वेश्चन में दिया था हमने वही लिखा है। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको फाइव थिंग्स करनी है। तो मैं टू प्रूफ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो ये फाइव चीज़ें क्या हमारी मैंशनड है, तो ये फाइव चीज़ें हम क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, कहाँ पर है आपका ए बी ई डी, ये देखो ए बी, ये फिगर हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ए बी ई डी, ये हमको क्या करना है, पिक करना है इधर, ए बी डी, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ट्राइंगल क्या उठाया, प्रूफ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ट्राइंगल उठाया ट्राइंगल ए बी सी, हमने क्या देखा, दैट ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी और डी ई क्या है आपस में पैरेलल हैं एंड ए बी इज इक्वल टू डी ई नंबर वन। ठीक है, फर्स्ट हमने ले लिया, सेकेंड हमको क्या बोल रहा है, दैट बी सी इज कहां पर है हमारा,
ये हमारे पास क्या अवेलेबल है, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, है ना, दैट वी कैन पिक फ्रॉम देयर। ओके नहीं बनेगा। प्रूफ में सबसे पहले हम क्या पिक करेंगे, ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल उठाएंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ठीक है, ये हमने उठा लिया। ए बी ई डी में देखो ऑलरेडी क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड ए बी इज इक्वल टू डी ई। अगर ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड ए बी इज इक्वल टू डी ई, देयर फॉर जो मैंने अभी अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देयर फॉर ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। नंबर वन हम यहाँ पे डाल लिए, ठीक है। नंबर टू अब कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, देखो ट्रायंगल कौन सा दिया हुआ था, डी ई एफ दिया हुआ था, डी ई एफ, तो हम लेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ ई, बी सी एफ ई में क्या हो जाएगा, देखो ऑलरेडी क्या अवेलेबल है हमारे पास, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी हमको दिया हुआ है, देयरफॉर बी सी एफ ई इज अ पैरेललोग्राम। तो ये दो हमने क्या किए, सेट कर लिए इक्वेशन, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू। अब इस वन और टू को हमको क्या करना है, यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, देखो यहां पर क्या था, ये हमारे पास अवेलेबल था और सेकंड में क्या था, ये अवेलेबल था। देखो दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट मिल रहा है आपको, ऑफकोर्स आपको एक कॉमन पॉइंट नजर आ रहा होगा, विच इज बी सी इक्वल टू ई एफ, है ना। यहाँ पे देखो बी सी इक्वल टू ई एफ था और यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू डी ई था। यूजिंग दीज टू हमको क्या प्रूफ करना है, ए बी ई डी। अभी देखो ए बी ई डी कहां पर अवेलेबल है, ए बी ई डी, है ना, तो ये हमारा आपका नंबर वन क्या हो गया, ये फर्स्ट वेरीफाई हो गया, है ना, और सेकंड यहाँ पर वेरीफाई हो गया। तो दो चीज़ें हमने क्या करी, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों हमने क्या की, इन ऑर्डर टू फाइंड थर्ड वन हमने क्या किया, फर्स्ट टू वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो जो फर्स्ट टू वेरीफाई हो गया, अब इन दोनों से देखो हमारे पास क्या अवेलेबल है, ये पहला वाला आपका क्या है क्वाड्रिलेटरल, ये आपका दूसरा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ओ भाई साहब रुक जाओ, सो ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, क्यों, क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो आपका पहला क्या हो गया, ये फर्स्ट वेरीफाई हो गया, ठीक है। क्वेश्चन अटक रहा है वाला। सो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, सो गिवन दैट, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ कोरिलेट करना है, ठीक है। गिवन दैट में क्या है आपके पास, देखो ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, तो मैं डायरेक्ट इसका क्या करता हूँ, प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। प्रूफ देखो क्या होगा, हम उठाएंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, देखो ऑलरेडी क्या अवेलेबल है, ए बी इज इक्वल्स टू डी ई एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई, कौन सा उठाया हमने, ये वाला, ये देखो ए बी ई डी, और हमने पहले ही थ्योरी क्या बताई कि दैट इन एनी क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम, वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि दैट ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, नंबर वन डन, ठीक है। उसके बाद सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, देखो बी सी ई एफ, क्योंकि सेकंड क्या पूछा है, बी ई एफ सी, सॉरी बी ई एफ सी, ये बेस में हमारे पास क्या अवेलेबल है, बी ई एफ एंड सी, इन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, देखो बी ई इज पैरेलल टू एफ सी एंड बी ई इज इक्वल्स टू एफ सी, ये भी क्या है, ये भी गिवन है, ये देखो यहाँ पे बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, सॉरी
क्या दिया हुआ आपको, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ एंड बी सी, बहुत गड़बड़ हो रहा है, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ. इट मीन्स बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम. ये सबसे पहले क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम, इक्वेशन नंबर टू. अब इन दोनों में देखो हमको कॉमन क्या पॉइंट मिल रहा है. अगर मैं ए डी इज पैरेलल टू बी ई बोलूं एंड बी ई इज पैरेलल टू सी एफ बोलूं, तो ए डी और सी एफ भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, बिल्कुल होंगे. सिंस, मैं यहां पे लिखता हूं, सिंस ए डी इज पैरेलल टू बी ई एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी ई, नंबर वन BE is parallel to CF and BE is equal to CF. ये दो चीजों को हम यूज करके क्या करेंगे, hence AD is equals to CF and AD is parallel to CF. ये भी क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया. means ADCF is a या ACFD is a ACFD is a parallelogram. ये तो complete आपका parallelogram create हो गया. तो ये आपका क्या आ गया, number third आ गया. ठीक है, number third भी ready हो गया. AC is equals to DF बोल रहा है, तो of course AC is equals to DF parts of parallelogram, है ना, ये हम लिख सकते हैं parts of parallelogram. तो आपका fifth आ गया. अब ABC और DEF बोल रहा है, तो इन triangle उठा लो, इन triangle ABC एंड ट्रायंगल डी ई एफ, कौन से दो ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल, इन तीन दोनों ही ट्रायंगल में क्या है आपका, ये ए बी जो है किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है, नंबर वन. ठीक है, उसके बाद बी सी जो है वो किसके इक्वल है, आपका ई एफ के इक्वल है, और लास्ट में क्या है आपका, सी ए जो है वो किसके इक्वल आ गया, एफ डी के इक्वल आ गया. और ये तीनों क्या है, अर्लियर प्रूव्ड में आ जाएगा. ठीक है, सो बाय एस 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 ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड दैट ऑल सिक्स क्राइटेरियाज आर वट एवर इट्स गिवन, वी हैव प्रूव्ड इट. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. सो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ए बी सी डी क्या है आपका, एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी इज पैरेलल टू क्या दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है. ठीक है, एंड ए डी इक्वल टू बी सी. सबसे पहली बात देखो, ए डी इक्वल टू क्या है, बी सी. तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, दैट गिवन, दैट गिवन, दैट से हमको क्या क्या पता है, दैट ए डी इज इक्वल टू क्या है, बी सी है, नंबर वन, है ना. तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया. कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने सी ई पैरेलल टू ए डी एंड सी ई इज इक्वल्स टू ए बी हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया. ठीक है, सी जो है ए डी के, सॉरी ए बी नहीं, ए डी के इक्वल हमने ड्रॉ कर लिया. तो ऑब्वियसली बात है ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना. इन तीनों को हमने थोड़ा सा क्या किया, नंबर एंगल को नंबर कर देते हैं, एंगल वन टू थ्री एंड फोर. ठीक है, प्रूफ पे चलते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका. प्रूफ सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए इक्वल टू बी हमको प्रूफ करना है. ठीक है, तो सबसे पहली बात हम देखेंगे, इन पैरेललोग्राम ए डी सी ई, देखो ये क्या है आपका, ए डी सी ई क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा. और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एंगल वन प्लस एंगल फोर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इसको हमने क्या बोल लिया, एडजेसेंट, एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल. ठीक है, उसके बाद आप ध्यान से देखो, टू और थ्री क्या है वहीं पर, एंगल नंबर टू प्लस एंगल नंबर थ्री क्या है, 180 बना रहे हैं. ये दोनों क्या है भाई, लीनियर पेयर हैं. लिख लो यहाँ पे, लीनियर पेयर दे यार. ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन बोला, इसको मैंने इक्वेशन नंबर टू बोला. सो एंगल नंबर वन प्लस एंगल नंबर फोर इज इक्वल टू एंगल नंबर टू प्लस एंगल नंबर थ्री. ठीक है, अब सिंस, सिंस यहाँ देखो ये क्या है आपका, ट्रायंगल सी बी ई, ट्रायंगल सी बी ई इज आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्रायंगल, दैट मीन्स एंगल नंबर थ्री इज इक्वल टू क्या है, एंगल नंबर फोर है.
आइसोसेलस ट्रायंगल में आप एंगल अपोजिट दो इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, सो 3 4 अगर इक्वल है यहाँ से तो यहाँ से मैं 3 और 4 को कट कर दूंगा और मुझे क्या मिल जाएगा, एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2, और ये एंगल नंबर 1 और 2 और कोई नहीं थे बल्कि एंगल नंबर ए, एंगल ए एंड एंगल बी है। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट वेरीफाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर 1 डन। नंबर 2 पे आ जाओ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये सी और डी को मुझे क्या करना है आपस में प्रूफ करना है। तो सेकेंड पे चल रहे हैं हम, ऑब्वियस सी बात है, देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी क्या है दोनों पैरेलल हैं, एंड बी सी ट्रांसवर्सल है, बी सी इज ट्रांसवर्सल, बी सी क्या है आपका ट्रांसवर्सल है, तो ऑब्वियस सी बात हो जाएगा एंगल नंबर 3 इक्वल टू एंगल सी आएगा। देखो 3 और सी क्या है, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, राइट, हमने 3 को सी के इक्वल कर लिया। नंबर 1 ऑलरेडी हमको क्या पता है दैट एंगल नंबर 3 जो है किसके इक्वल है, एंगल नंबर 4, एंगल ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है, एंड एंगल डी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल नंबर 4 के इक्वल है, क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये क्या क्या अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कर लिया। तो देखो यहाँ पे डी इक्वल टू 4 है, यहाँ 3 इक्वल टू सी है, और 3 4 क्या है आपस में सेम है, सो इस पूरे सिचुएशन से मैं क्या बोल सकता हूं, ना देयर फॉर एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, ये आपका सेकेंड भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, नाउ थर्ड में हम क्या करेंगे, यहां पे थर्ड पे जो है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, सबसे पहले हम ए बी सी एंड बी ए डी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास ए बी सी एंड बी ए क्या हो गया यहाँ पे आ गया डी, ठीक है, थोड़ा गलत बन गया मेरा, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया डी, ऑलरेडी क्या गिवन है, देखो ए डी इक्वल टू बी सी ए गिवन है, और ये दोनों एंगल आपस में क्या है हमने प्रूफ किया है, एंगल नंबर ए इज इक्वल टू एंगल नंबर बी प्रूव्ड अर्लियर, ठीक है, और ये क्या था, ये गिवन था, और दोनों में कॉमन क्या हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए बी इज कॉमन, सो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, ये हमारा फोर्थ भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है क्या बोल रहा है, एक्चुअली ये थर्ड पॉइंट था, ठीक है, थर्ड वेरीफाई, और यहाँ पर आ गया आपका फोर्थ, फोर्थ में क्या बोल रहा है डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो बाय सी पी सी टी बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, ठीक है। सो आई होप सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.1 के आपको समझ में आए होंगे फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, ओके, इन द मीन टाइम लाइक शेयर सब्सक्राइब आर वीडियो, ओके, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है आपके लिए, एंड यू नो दैट द मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ओके, आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, click the bell icon to get the notification of our all latest videos. Thank you very much and have a nice day.